हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय गंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मुझे मेरी गाड़ियों की लख लख बधाइयाँ दी। बहुत सारी बहुत लोगों ने बधाइयाँ दी। देखिए, आप सबका आशीर्वाद है कि विद्या देवी इतने आगे बढ़ रही है। जलने वालों की बहुत जल गई है। मैं सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ बोलूँगी उन लोगों को कि बधाइयाँ देते देते जले नहीं, है ना। गोराई से लेके बहुत सारे जन ऐसे हैं जो मुझे व्हाट्सअप पे मतलब ज्ञान दे रहे हैं कि गाड़ी आपके नाम पे करो, गाड़ी उसके नाम पे मत करो। मतलब सबको सब इस बात का तकलीफ़ नहीं है कि मैंने गाड़ी खरीदी है, सबको इस बात की तकलीफ़ है कि मैंने गाड़ी प्रभु के नाम पे की है, मतलब केशव के पप्पा के नाम पे की है। तो एक बात बताओ कि मतलब इससे प्रॉब्लम क्या है। जब एक आदमी अपनी औरत के नाम पे घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, सब खरीदता है, तो आदमी तो नहीं बोलता है कि मैं क्यों खरीदूँ उसको, वो घर की लक्ष्मी मानता है। तो मेरे लिए मेरे केशव के पप्पा लकी चैंप है। आपको सच बोलूँ, एक आदमी के पीछे अक्सर एक औरत का हाथ, तरक्की के पीछे, मेरी तरक्की के पीछे मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे केशव के पप्पा का हाथ है। क्योंकि मैं जानती हूँ ना, पहले भी मेरी शादी हुई थी, वो तो पनौती था साला, उसकी लाइफ में रहने से तो मैं कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाई। सच में मजाक नहीं, मेरे को हमेशा पंडित लोग बोलते थे कि आपकी शादी गलत हुई है, ग्रह नक्षत्र में हुई है। ये आदमी जब तक आपकी लाइफ में रहेगा ना, आप ज़िंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ोगे। लाखों करोड़ों कमाओगे तो भी स्वाहा हो जाएगा। लेकिन जब से मेरा प्रभु आया मेरी लाइफ में, मुझे नशे से बाहर निकाला, मेरे बच्चों को किस तरह से रहना वो सिखाया, कि मतलब मैं बच्चे के नहीं, मेरी बात बता रही हूँ मैं, कि मेरे बच्चों पर मैं हमेशा पाबंदी डालती थी, ये मत करो वो मत करो। उसने मुझे बताया फ्री छोड़, बच्चों को फ्री छोड़, बच्चों की दोस्त बन, तभी तो बच्चों को समझ पाएगी। तो ऐसे पाबंदी रखेगी, ये मत करो वो मत करो ऐसे मत करो, तो कभी नहीं आगे बढ़ेगी। तो उसने वो बच्चों के साथ अच्छे से रहता है, मेरा हनी मुझसे ज़्यादा उनसे प्यार करता है, ऐसा एक दोस्त के जैसे रहते हैं। दूसरी बात तो ये बात है कि ये बोलना, ये ज्ञान देना छोड़ो। पूरी की पूरी विद्या देवी ने अपने आप को दे दिया, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो गाड़ी उसके नाम पर हो गई तो क्या बात है। गाड़ी तो घर की है ना, गाड़ी तो मेरी है ना। मैंने क्या बोला, मेरे प्रांजू के लिए गाड़ी लिया है मैंने, घर के लिए गाड़ी लिया, तो गाड़ी सबकी हुई। जब वो मेरा पति है, गाड़ी सबकी हुई ना। अभी एक बार बात बताती हूँ, कल हम लोग मंदिर गए तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया था, एक्चुअली मेरे केशव के पापा थोड़े थोड़े नाराज़ थे और उनको ऐसा लग रहा था, मैंने बोला था ना शादी कर ये कर। एक सबसे बड़ी बात, आपको लगता है कि मेरी उम्र इस वक्त शादी करने की है? 39 ईयर्स की हूँ मैं, मेरी लड़की हो गई 18 साल की, 5-6 साल बाद उसकी शादी होगी। ये उम्र में बच्चों का फ्यूचर देखा जाता है, बच्चों के फ्यूचर का प्लान किया जाता है, या ऐसी मतलब ठीक है मैंने प्यार किया, प्यार करने का हक था, प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो रहा है, वो लकीली भगवान ने मुझे दिया, मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया, समझ रहे हो। लेकिन ये कौन सा बात है शादी कर लो, मैं उन्हें चिढ़ाती हूँ, लेकिन आपको लगता है मैं शादी करूँगी? अरे मेरी गाँव में 20,000 एकड़ ज़मीन है भाई, ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण अपना सरनेम चेंज करके क्या करेगी। और दूसरी बात, फिर भी वो सब उनका रहेगा, समझ रहे हो, क्योंकि उनका ये बच्चा आ रहा है। हमारे में गांव में जैसे एक आदमी की बीवी अगर मर जाती है और दूसरी औरत आती है तो उसमें सीधा सीधा ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ, कानूनी हक कि अगर समझो 10 लाख की प्रॉपर्टी है और एक आदमी के पहली बीवी से 2 बच्चे हैं और दूसरी बीवी से 1 बच्चा है, तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा होगा, ना कि 3 हिस्सा होगा। ऐसे जैसे 10 लाख का चीज़ है तो 5 लाख हुआ पहली बीवी के बच्चों का और 5 लाख हुआ दूसरी बीवी के बच्चों का। तो भले मैं अपने केशव के पापा से शादी करूँ ना करूँ, लेकिन वो पूरी तरह से मेरे पति हैं, तो मेरा जो कुछ है उनका ही है। और एक और बात, जो सब लोग मुझे भाषण देते हैं ना कि कभी आपको धोखा देगा, ये करेगा, अरे किसी के धोखा देने से समुद्र कभी सूखता नहीं है मेरे भाई। और एक बात बताओ, जिसके पास पूरा का पूरा बैंक हो वो एक सेविंग अकाउंट लेके क्या करेगा, समझ रहे हो आप क्या बोल रही हूँ मैं। जिसके यहाँ पूरा बैंक हो, जिसके पास पूरी की पूरी विद्या देवी हो, उसको मालूम है जब तक ये मेरे साथ रहेगी आजीवन ऐसी 50 गाड़ियाँ मेरे पास रहेगी, तो एक गाड़ी के लिए मुझे धोखा देके क्या करेगा। उसको भी पता है, उसको तो ये बात की खुशी है कि इसने मुझे इतना नाराज़ होने के बाद भी मुझे मेरे नाम पर गाड़ी की। अरे चलो मुझे भाषण दे रहे ना आदमी, ठीक है उनसे कोई गलतियाँ हुई है, लेकिन गलतियाँ कराने वाला कौन है वो तो देखो। अच्छी संगति का अच्छा नतीजा, बुरी संगति का बुरा नतीजा। सबसे पहले परवरिश की बात करो तो परवरिश तो बहुत अच्छी है माँ बाप की। मेरे केशव का पापा परवरिश के मामले में बहुत अच्छी थी, उनके माँ बाप ने उनको परवरिश अच्छी बहुत दी, लेकिन देख रेख नहीं की, गलतियों पे डांटा नहीं, गलतियों पे मारा नहीं। जिस तरह विद्या देवी हमेशा पीछे पड़ी रहती है, उस तरह से कभी डांटा नहीं, मारा नहीं, हर बात पर टोका नहीं,
कभी उनकी मर्जी नहीं पूछी, कभी उनकी पसंद नहीं पूछी, कभी नापसंद कुछ नहीं पूछा। बेटा तुझसे किससे शादी करना है, क्या करना है, बताओ। 6 फुट का आदमी और 4 फुट की बीवी, बताओ। बच्चा दे दिया गोद में खेलने के लिए, क्या बेटा लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, है ना, ये हाल हो गया। सही है कि नहीं? आदमी इतना नहीं गिरता है। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी की जोड़ी सही है, लेकिन उनकी भी पीछे की कहानी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक आदमी को आज की तारीख में मैच ऑफ ईच अदर वाला काम होता है। इंसान आपको प्यार करता है, आपको आपकी हर बात मानता है, माँ बाप की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के उसको दे दो, बोल दो कि रस्ते का हगा खा ले और बेचारे को खाना पड़े। वही हाल हुआ है उनका। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आपको वो काम करना चाहिए जो आपको शोभा दे। दूसरी बात, जब आरिफ जैसा आदमी उनको नशे की दुनिया में गुंडागर्दी में घुसा रहा था, तब आपका काम था कि ऐसे दोस्तों से बचाना, स्ट्रिक करना। ऐसे बात मत बोलना कि, ऐसी बात बिल्कुल नहीं बोलना कि हम झोपड़पट्टी में रहते हैं तो ऐसा हुआ। झोपड़पट्टी से तो विद्या देवी आई है, लेकिन आज कौन सी पहुँच पे बताइए। दूसरी बात, जब आदमी बिगड़ता है, आदमी को एक अच्छी संगति आ जाए। झोपड़पट्टी की बात आ रही है, झोपड़पट्टी से तो मैं भी आई हूँ। मेरी माँ, मेरे नाना का तो पूरा वो था, हम लोग भी झोपड़पट्टी से ही बड़े हुए। मैं तो 10वीं फेल हूँ, पास भी नहीं हूँ। सोचो 10वीं फेल औरत डेली का 1,00,000 रुपये कमाने का दम रखती है, लेकिन अच्छी संगति पे है ना, अच्छी चीज़ है ना। माँ बाप ने उस तरह से वो रखा, प्रेशर डाला, तभी हम आगे हैं। एक बात बताओ, और दूसरी गलती, मेरा प्रभु 1,00,000 बुरा है कैसा भी, लेकिन उसको अपनी मर्यादा मालूम है, समझे। उसको मालूम है कि ये मेरी बेटी है, उसको मालूम है कि ये मेरी भाभी है, मेरे भाई की औरत है, उसको ये मालूम है कि ये कौन है, मतलब वो ये बाहर की औरत है। वो किसी का ऐसा ध्यान नहीं देगा, भले मैं उस पर कितना भी नाम डालती हूँ, लेकिन आँख बंद करके मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर प्रपोज़ कहीं बाहर, ऐसा कितने लोग मुझे बोलते हैं, मैडम आप गाड़ी वाड़ी दिला के गलती कर रही है, कल वो आदमी अय्याशबाज हो जाएगा। बड़े लोग के बड़े शौक, बड़े बड़े बिल्डर जाते हैं बाहर मुंह मारते हैं, तो क्या वो अय्याशबाज हो जाते हैं? हाँ, ये बताओ पहले आप। मेरा प्रभु अगर किसी 10 के साथ 100 के भी आ जाएगा ना, लेकिन वो विद्या देवी की जगह कभी उसको नहीं देगा। वो अपनी बीवी की जगह कभी किसी को नहीं देगा। उसके लिए उसकी बीवी अलग है, एक घर अलग है। वो मेरे घर पर ला के मेरे सर पर किसी को नहीं बिठा रहा है। बाहर के एक आदमी की फ्री लाइफ दुनिया होती है। पहले मैं अपने बच्चों पे प्रेशर डालती थी, उसने सिखाया कि बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डाल, उनको दुनिया में बाहर निकलने दे। तू बांध के रखेगी तो बच्चे भागेंगे, तू छोड़ के रखेगी तो बच्चे फ्री रहेंगे। वैसे मेरा प्रभु है, वो जानता है कि मुझे, जब ये मुझे सब कुछ दे रही है तो मुझे बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत है। एक्चुअली वो ऐसा है भी नहीं। ये मैं जो बातें मुझे बोली गई है, मैं उन सबका जवाब दे रही हूँ, समझ रहे हो। ये बात तो उनके घर में ध्यान रखना चाहिए था। देखो, सुधारने वाला आदमी बहुत पहले सुधार सकता था। किसने बोला था अपने ही घर में एक फालतू औरत को रूम ऊपर का भाड़े पे देने का? हाँ, एक ऐसी औरत को रूम भाड़े पे देने का जो 18-19 साल के लड़के को सेक्स करना सिखा रही है। अबे मैं नाम नहीं लूँगी, नाम तो पूरी गोरा ही जानता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना। क्या नाम है उसका? टारजन सब बोलते ज़्यादा करके, जाने दो। किसने बोला था ऐसी औरतों को रखने का जो 20-22 साल के लड़के को बैनर ठोकना सिखा रही है, आप बताओ। अब ये बात अगर वो बोली कि ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैं गिरा के चप्पल से मारूंगी, क्योंकि मुझे वही बात का गुस्सा है। कौन बोला ऐसा सब बिगाड़ने को? उसके बाद भी किसी का ध्यान नहीं गया। उसके बाद किसने बोला? एक उसके बाद आती है माँ, के बाद आती पत्नी। बीवी अपने पति का पूरा ध्यान देती है। औरत चाहे तो घर बना सकती, औरत चाहे तो घर बिगाड़ सकती। एक औरत अपने पति को पूरी तरह से बना सकती, लेकिन जब बीवी को पति में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे? सोचो, माँ बाप के कहने पे 6 फुट के आदमी ने 4 फुट के आदमी से, औरत से शादी तो कर ली। वो उसका पूरा मान, क्योंकि उसके पापा ने उसको कहा है कि बेटा ये दूसरे घर की बेटी आई है, इसका ध्यान रखना। लेकिन उन्होंने क्या किया? मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जब वो देख रही है मेरा पति गलत रास्ते पे जा रहा है, कुछ गलत लोगों के साथ घूम रहा है, उसका काम था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, आप ऐसे रहो, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं संभाला। अगर बोलेंगे नहीं हमने बोला था, तो तब में और आज में क्यों फ़र्क है? आज की तारीख में पूरी गोरा ही जानता है कि मेरा प्रभु सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखता है। अपने दोस्तों को, किसी को पार्टी चाहिए तो बैठता, किसी के साथ ज़्यादा पीने खाने नहीं बैठता, किसी के साथ ज़्यादा बाहर नहीं जाता, कोई नशापंती नहीं करता, कुछ नहीं करता। एक लाइफ, अच्छी लाइफ, क्योंकि अच्छी संगति पे है ना। भले मैं उसे डांटती हूँ, बोलती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि ये सही बोलती है, सच बोलती है। अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं। और ये एक गाड़ी क्या है, ऐसी 100 गाड़ी निछावर है। अभी किसी ने मुझे कहा कि अगर उसकी नीयत बिगड़ गई, कभी उसने आपसे धोखा किया, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा प्रभु एक गाड़ी के लिए मुझसे नीयत खराब करे। और करे तो करे, क्या हो गया? अरे मैं विद्या देवी हूँ, 0 से 100 नंबर खड़ा करने में बहुत पर है। मैं सामान लेने के बाद उसका दुख नहीं रखती हूँ। बच्चों के साथ है, गाड़ी मेरे पास है,
मैंने अपने केशव पापा को पहले ही कहा है मेरी गाड़ी में आपका पूरा परिवार घूम सकता है, आपके मम्मी घूम सकते हैं, आपका पापा घूम सकता है, आपके सारे दोस्त लोग घूम सकते हैं, आपका भाई रवि घूम सकता है, टिक्कू चीव घूम सकती है, आपकी भाभी घूम सकती है, बस एक पनौती को छोड़ के। भाई मैं इतनी महान तो नहीं हूँ कि अपनी सौत को अपनी गाड़ी में बैठने दूँगी, सॉरी। और उसको भी इतनी नाक तो रहनी चाहिए कि उसको और उसके मायके वालों को कि भले चाहे भाई उनकी औकात कितनी भी बड़ी हो, रिक्शे में आए कैब में आए, लेकिन मेरी गाड़ी में कभी पैर ना रखे। हाँ, अगर नाक का शर्म का पानी मर गया रहेगा तो भले भी बैठेंगे, सही है ना? ऐसी बात है। मेरी तो मैंने केशव पापा को वही बोला है, मेरा लड्डू बैठ सकता है गाड़ी, मेरा लड्डू पूरा गोरा ही घूम सकता है, लेकिन उस पनौती का पायगुन मेरे गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये तो मैं यूट्यूब पर बोल रही हूँ बस। हाँ, उसके लिए अगर चाहिए तो मेरे केशव पापा बोलेंगे तो बाद में वो ले लेंगे अपना, उनको क्या है। मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाती, मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी भी बड़ी दिल वाली नहीं हूँ कि अपनी सौत को बोलूँगी ले बेटा बिंदास घूम। नहीं, सॉरी, मेरे केशव के पापा के आज मैं ही बैठती हूँ। और हाँ, तो भी उसने अगर ज़बरदस्ती बैठी तो पूरी गोराई देख रही है, ये बात पे नहीं हंसेगी कि वो गाड़ी पे बैठी है, ये बात पे हंसेगी कि देख सौत की दी हुई गाड़ी पे बैठी है, कितनी महान औरत है, इसके जैसी औरतों का तो पैर धो के पीना चाहिए ना, सब तेरे फैन बन जाएंगे। ऐसी बात है। ये सारी बातें मैं इसलिए बोलती हूँ ना, मुझे पता है बुरी लगती है, लेकिन क्या करूँ, मेरे प्रभु को बिगाड़ने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और एक और बात, मेरे सामने मेरे प्रभु की बुराई नहीं करने का खुलेआम बोल रही हूँ, जो मेरे प्रभु की मेरे सामने बुराई करेगा वो इस दुनिया का मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं उसको सब उठा के दे दूँ, क्या करने का है, उसका है सब कुछ, क्या करना है बोलो। ऐसे 50 गाड़ी, और एक देख लेना, आने वाले 6 महीनों में मैंने केशव पापा को एक ऐसा बिजनेसमैन बनाऊंगी बच्चों के साथ मिलके, कि एक वक्त याद रखेंगे कि एक बार बोलेंगे सब कि मैंने मिट्टी को सोना बना दिया। ये बात है, कहते हैं मुझे सब कहते हैं कि विद्या देवी आप जिस पे हाथ रखते हो ना वो चीज़ सोना बन जाती, तो मैं अपने केशव पापा पे हाथ रखी हूँ, मैं खुद उसके लिए साक्षात जिन्नात और परी हूँ, मैं उस पर हाथ रखी हूँ। देख लेना आने वाले 6 महीनों में कितना बड़ा बिजनेस जाएगा दक्ष एंड ट्रूल एंड ट्रेवल्स का, कितनी सारी। आज एक गाड़ी के लिए तुम लोग कितना सोच रहे हो कि एक गाड़ी ले लिया, ये कर दिया, पीछे का ऐसी 10 गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। अभी कल ही मुझे किसी ने मैसेज किया, कहाँ से, एमपी से, मैडम मेरे एक काम कर दो, मेरी तरफ से आपको फॉर्च्यूनर गिफ्ट। मुझे नहीं चाहिए, काम तो मैं करके दिखा सकती हूँ, मुझे लालच मत दो। अगर मैं फॉर्च्यूनर BMW गिफ्ट लेने लगूँ ना तो मेरे घर के सामने गाड़ी रखने की जगह नहीं है। विद्या देवी ने आज तक पूरे यूट्यूब से कभी गिफ्ट नहीं लिया है। मेरे को कितने लोगों ने बहुत पहले बोल चुके हैं, मैडम हम चलो ना आपको अंधेरी में फ्लैट देते हैं, बंगलो देते हैं, वहाँ रहो, सूरत, वापी, सब जगह पे मेरे लिए फार्म हाउस मेरे को गिफ्ट किए जा रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों का काम किया है मैंने, लेकिन विद्या देवी गिफ्ट कभी नहीं लेती है। मुझे फ्री का माल नहीं चाहिए, मेरे हाथ पैर में इतना दम है कि मैं अपनी मेहनत से बहुत कुछ बना सकती। और दूसरी बात, अभी बच्चों की शादी का टाइम है और मैं और मेरे केशव पापा लिविंग रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं। हम दोनों को शादी नहीं करना है, हम लोग को छुप छुप के प्यार करना है, छुप छुप के बातें करनी है, अपना बच्चा खिलाना है, इंजॉय करना है और मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाना है। ये वक्त शादियों का नहीं है, ऐसा हो जाता है, समझ रहे हो? नहीं तो वही कहावत सुन रहे हो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मतलब पता चले इस वक्त शादी कर रहे हैं। शादी, एक बात बताओ, वहाँ तो शादी करके एक औरत है ना, शादी रह के वो कितनी खुश रह गई वो बताओ, और उसने कौन सी बहुत बड़ी खुशी दे दी, खजाना दे दिया। पूरा गोरा ही जानता है, मेरे केशव पापा ने क्या कहा, पूरा गोरा ही जानता है कि तू मेरी कौन है, तू मेरी बीवी है, तो ये मंगलसूत्र ऐसा पहना के जरूरत नहीं है पूरी दुनिया के सामने दिखावा करने का, है ना? बस हो गया, बात खत्म। आज की तारीख में लॉ कानून ने भी ये कहा है कि अगर एक पत्नी का रिश्ता किसी दूसरे आदमी से हो तो उसका पति उससे तलाक ले सकता है, लेकिन उस पर कोई केस या कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता। अगर एक आदमी किसी अपनी पत्नी के रहते किसी और एक औरत के साथ रह रहा है, शादी वादी करके भी रह रहा है, तो भी उस औरत को ना वो औरत कंप्लेंट कर सकती है, ना वो औरत उस पर केस कर सकती है, उसको हक ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तलाक ले सकती है। ऐसी बात है, क्योंकि कानून समझ गई है कि माँ बाप की गलतियों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। इसलिए तो मैंने अपने बच्चों को साफ साफ कहा है, तुम उससे शादी करो जो तुमसे प्यार करता हो, हमारी पसंद करो, हम ज़बरदस्ती ला के किसको भी थोप दे वो नहीं। बाकी तो भिखारी लड़का रहेगा ना, मेरे दामाद लोगों को करोड़पति बनाना मेरा काम है, टेंशन। हाँ, ऐसे भी मैंने सुना है गोराई में बहुत सारे जन सबको पीन मारते रहते हैं, अरे विद्या देवी की बेटी है पटा पटा, तो मतलब मेरे प्रभु का कंपेयरमेंट करते हैं कि अरे देखा वो प्रभु को तो इतनी गाड़ियाँ आ गई, तू भी पटा, तेरे को भी गाड़ियाँ आ जाएगी। अरे मेरे भाई, दोस्त दोस्त होते हैं, ऐसी बातें मत बोलो। मेरे प्रभु का बात अलग है, मेरा पति है। और दूसरी बात,
मेरी बेटियां ना ऐसे ऐसे सोने जैसे दामाद ढूंढ के लाएंगी ना कि देख लेना, वो लोग मुझे संभालेंगे ना कि मुझे उनको संभालना पड़ेगा। एक से बड़े बड़े घर के दामाद आएंगे। और दूसरी बात, पैसा मायने नहीं रखता है, प्यार मायने रखता है, समझ रहे हो। पैसा तो रोड पे खड़ी हुई रंडी भी कमा लेती है। मेरी बेटियां जिससे शादी करेंगे ना, अगर बोलेंगे रोड का भिखारी है मम्मी, इससे मुझे शादी करनी है, उस भिखारी आदमी को करोड़पति बनाना मेरा काम है, ये बात। तो उनको भी समझ है। मैं अभी फ़िलहाल उन लोगों को बिजनेसमैन बना रही। मैंने उन्हें कहा है आप लोगों के 5 से 6 साल मुझे दो, उसके बाद अपनी ज़िंदगी जियो। आने वाले दिनों के 5 से 6 साल पहले मैं उनको बिजनेसमैन बनाऊंगी, उनके पैरों पे खड़ी करूंगी, क्योंकि आगे गांव में इतनी बड़ी ज़मीन है, वहाँ होटल का प्रोजेक्ट है, बहुत सारा प्रोजेक्ट है, वो कौन संभालेगा। पहले उनको उस लायक बनाऊंगी कि वो लोग संभालेंगे, उसके बाद वो लोग शादी करेंगे। समझ में आया। और फिर से एक और बात, मेरी बोलने में सबकी बहुत जलती है, तो एक काम कर लेना, वो जलने में क्या पीते हैं, इनो। हाँ हाँ, एक दो इनो का पैकेट पी लेना, पैसा नहीं हो तो मैं भिजवा दूँगी, लेकिन मेरे प्रभु की बुराई बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरी बात, और मैडम मेरे गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठना, सॉरी प्लीज़, ये बात है ना, अपने मायके वालों को बिठाना। मेरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए, मेरे प्रभु के लिए, मेरे ससुराल वालों के लिए, मेरी सास, मतलब मेरी सास में मेरे प्रभु के मम्मी पापा भाई भाभी सब बैठ सकते, एक लौती तुम्हारे सिवा। तुमको नाक होगी तो बैठोगी, नहीं बैठोगी सॉरी, और नाक नहीं होगी तो सब कर लेना, ऐसे भी तुमको तो नाक किधर है। चलो जय माता दी।